नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं विंटर सीजन के बारे में। ग्रहों की चाल से हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि 2023 में सर्दियों का ये मौसम किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। क्या कोई बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है, क्या सर्दियां कड़ाकेदार पड़ने वाली है, या फिर नॉर्मल वेदर रहेगा और आराम आराम से सर्दियां निकल जाएंगी। किसे बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी सर्दियों में, कौन इन सर्दियों का फायदा उठा सकता है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो हमारे वैदिक शास्त्रों में हर एक टॉपिक को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं, और उसी में एक बहुत बड़ा टॉपिक है वेदर कैलकुलेशन। वेदर कैलकुलेशन में भी बहुत अच्छे से सर्दियों के बारे में, गर्मियों के बारे में, बारिश के बारे में, बर्फबारी के बारे में, भूकंप के बारे में, आंधी के बारे में, तेज़ हवाओं के बारे में, हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से प्लैनेटरी मूवमेंट को समझाया गया है, और उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट की सटीकता भी उतनी ही ज्यादा अच्छी रहती है। आज उन्हीं सारे मेथड्स को यूज करते हुए अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को सर्दियों का पूर्वानुमान दे पाऊं, आप सभी को सर्दियों के बारे में समय से पहले बता पाऊं। नवंबर का महीना एंड हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में सर्दियों का मौसम और ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। देखते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, इस बार जो प्लैनेटरी इक्वेशंस बना हुआ है, मैंने पहले भी कहा था दिसंबर के महीने में प्लैनेटरी इक्वेशंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेवल पे यहां पर दिखाई देता है। और वेदर के अलावा अगर हम देखें नेचर, अगर हम देखें तो नेचर बैलेंस्ड है, मतलब कि कोई ज्यादा डर नहीं है। डर किस चीज का? अर्थक्वेक का ले लीजिए, कोई बड़ी घटना का ले लीजिए, बड़ी घटना इन द सेंस की कोई आंधी, तूफान, चक्रवात, सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई गंभीर चीज देखने को मिलेगी। यहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सर्दियों की दस्तक से ठीक पहले अभी हम देखें धीरे धीरे विंटर अपने पैर पसार रहा है, धीरे धीरे विंटर आने की दस्तक दे रहा है। नवंबर में जब हम कहते हैं कि दिवाली के बाद और देव उठनी एकादशी के समय से ही सर्दियों का समय आरंभ हो जाता है, अभी दो दिन के बाद देव उठनी एकादशी हम देखेंगे जहां पर देव उठते हैं, और देव उठते हैं तो मांगलिक कार्यों का आयोजन भी शुरू हो जाता है। सो ऐसे समय में विंटर की भी शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, और ठीक उसके पहले की अगर हम देखें चाल तो यहां पर दो बड़े प्लैनेटरी इक्वेशंस देखने को मिले। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन और सूर्य और मंगल का वृश्चिक राशि में बैठ जाना। दूसरा, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, शुक्रदेव का अपने नीच स्थान से बाहर निकलना और तुला राशि में प्रवेश करना, अपने घर में प्रवेश करना। और नवंबर खत्म होते होते एक और बड़ा प्लैनेटरी मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो है मर्क्यूरी बुध देव का ट्रांजिट कर जाना और वृश्चिक से निकल के धनु में पहुंच जाना। अब देखिए, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और शनिदेव यहां पर पूरी दृष्टि डाल करके बैठे हुए हैं मंगल और सूर्य पर। ऐसे समय में यहां पर जो ये कुंडली बनती है जिसके जरिए हम विंटर की कैलकुलेशंस करते हैं, इस कुंडली को अगर देखा जाए तो दो चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। पहली चीज, यहां से सर्दियों का जो आरंभ होगा ये सर्दियां बहुत ज्यादा कड़ाकेदार नहीं रहेगी, मतलब कि कहीं ना कहीं सर्दियों में भी गर्मी की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, मतलब कि विंटर विंटर जैसा फील नहीं होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि सर्दियां आए जाए zigzag ग्राफ बना रहे। एक दिन लगेगा कि सर्दियां बहुत ज्यादा है और अगले दिन लगेगा कि अचानक से थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हो रही है, या आज थोड़ी सर्दी हमें कम लग रही है। कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस यहां पर क्लियरली दिखाई देती है। यहीं में बारिश का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। जी हाँ, दिसंबर के महीने में या फरवरी के महीने में अगर अचानक से बारिश हो जाए तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये वो समय है जहां पर ग्रहों की चाल की वजह से बूंदाबांदी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
बर्फबारी की अगर मैं बात करूं तो मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से बर्फबारी कम दिखाई देती है इस बार, मतलब कि पहाड़ों पर बर्फ कहीं ना कहीं कम होंगी। बादल का फटना जरूर दिखाई देता है या बारिश जरूर दिखाई देती है, बट वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे नहीं दिखाई देती कि बहुत ज्यादा कुछ नुकसान हो। बट यस, बर्फबारी कम होने की वजह से डेफिनेटली सर्दियों की मात्रा भी जो है, सर्दियों की जो तीव्रता भी जो है वो कम हो जाएगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड इनटू वेदर या इनटू विंटर यहां पर कुछ तो होने वाला है, मतलब कि इस बार के विंटर में कुछ ऐसा होगा जो शायद पहली बार हुआ है या सालों में एक बार हुआ है, जैसे कि जनवरी के महीने में अचानक से गर्मी दिख जाना या जनवरी के एंड में या फरवरी में अचानक से तेज बारिश कहीं हो जाना, जो कि लाइक साइंटिस्ट ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। कुछ इस तरह के अनयूजुअल चीजें इस तब समय में हो सकती हैं, और मैंने पहले भी कहा था कि ये वो समय है जो 2023 एंड 24 को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसी वजह से ये एक पैरेलल इक्वेशन चलती हुई नजर आएगी, और 2023 का विंटर और 2024 का विंटर मतलब जो रहेगा ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में यहां पर आता हुआ नजर आता है। इस वजह से यहां पर देखा जाए तो विंटर की कैलकुलेशन और ज्यादा खास बन जाती है। अब थोड़ा सा और ज्यादा डीप समझते हैं इसको कि कैसे चीजें बन रही हैं। तो सबसे पहले आपको कहूंगा कि नोट कर लीजिएगा प्लीज, देखिए तीन चीजें बड़ी क्लियर हो गई, बर्फबारी कम है, बारिश डेफिनेटली होगी कहीं ना कहीं, और ओवरऑल सर्दियों का जो मौसम रहेगा ये उतना ज्यादा शीत नहीं रहेगा, उतना ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा जितना ये रहना चाहिए। अब इसमें मूवमेंट कहां कहां पर चेंज होंगे तो उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जगह बता देता हूं जहां पर बारिश की संभावनाएं काफी ज्यादा है। बारिश की संभावना यहां पर देखें तो हम देखेंगे कि तमिलनाडु में बारिश हो सकती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है, इस तरह के योग बनते हैं। केरला में बारिश हो सकती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इवन दो केरला में थोड़ी सी ज्यादा बारिश के योग भी दिखाई देते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया की तरफ जब आप जाएंगे तो दिल्ली में, हिमाचल में या और ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ देखें तो वहां पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी या हल्की बूंदाबांदी होंगी, बट साउथ पोल पे जब हम देखेंगे, साउथ इंडिया की तरफ जब हम देखेंगे तो वहां पर बारिश डेफिनेटली एज कंपेयर टू नॉर्थ थोड़ी सी ज्यादा होते हुए नजर आएगी, इस तरह के योग बनते हैं। नॉर्थ में बादल बनते हुए नजर आएंगे बट बारिश नहीं होगी, हवाओं का रुख बहुत तेज हो जाएगा। हवाएं आप देखिएगा इस महीने के एंड से ही हवाओं का रुख काफी ज्यादा तेज रहेगा, और कहीं ना कहीं जनवरी तक हवाओं का रुख तेज ही दिखाई देता है, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा और वीनस का जो इक्वेशन बनेगा ये भी काफी ज्यादा मौसम में इंपैक्ट डालने वाला इक्वेशन बनेगा, मतलब कि चंद्रमा और शुक्र की जब युति होगी उस समय सर्दी का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ेगा बट उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से जनवरी के मौसम में भी या फरवरी के मौसम में भी तेज सर्दी पड़ने के अनुमान नहीं लगा सकते, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो बर्फबारी हिमालय के क्षेत्र में अगर मैं देखूं तो वहां पर भी बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं वो कम दिखाई देती है, खासकर जनवरी के महीने में हवाओं का रुख बहुत ज्यादा है, तेज हवाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और इस वजह से बादल बनते हुए दिखाई देंगे बट बर्फबारी नहीं दिखाई देती, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और यहीं पर देखा जाए तो अंत में, मतलब कि एंड ऑफ द जनवरी एंड फरवरी की शुरुआत में डेफिनेटली कुछ न कुछ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी यहां पर दिखाई देती है, और यहां पर कुछ एक ऐसा मूवमेंट बनेगा, मतलब कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जो अनयूजुअल हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो, या सालों बाद कोई एक ऐसी घटना घटी हो जो हो रही है, कुछ इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। अब वो क्या होगा वो सही समय पर आने पर ही कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो मिड ऑफ फरवरी की अगर हम बात करें तो मिड ऑफ फरवरी अगेन बारिश की संभावनाओं को तीव्रता पर ले जाता हुआ नजर आता है, और ऐसा लगेगा कि सर्दियां चल रही हैं या बारिश आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ इस तरह की मूवमेंट यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली ये जो समय रहेगा ये फसलों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। मैंने अपने आखिरी वीडियो में भी कहा था कि किसानों को निराशा हो सकती है, इस बार की विंटर की जो फसल है वो अच्छी नहीं जाएगी, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं।
इसकी वजह से ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप आने वाले समय में गेहूं, क्योंकि इस समय में गेहूं की फसल होती है, गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं, या रुई की फसल, कपास की फसल बहुत अच्छी ना हो, कपास को बहुत नुकसान पहुंचे, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए कहूंगा कि किसानों को अपनी फसल को बहुत बहुत केयरफुली आगे ले जाना है और अभी से प्लान कर लें कि आप 15 जनवरी के बाद अपनी फसलों को किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि उसके बाद फसलों में खराबी आना, कीड़ा लगना, बारिश आना, पानी की वजह से फसलों का खराब होना, मौसम की वजह से फसलों का खराब होना, इस तरह के योग काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ फरवरी का जो महीना रहेगा, आज बता रहा हूं, आगे फिर अपडेट करूंगा, बट फरवरी 2024 का जो महीना रहेगा, ये मोस्टली यहां पर बड़े अर्थक्वेक का महीना रहेगा। डेफिनेटली भारत के कुछ क्षेत्रों में आप कह सकते हैं, या फिर आप ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इन इलाकों में, या और भी अभी कैलकुलेशन करना बाकी है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा भूकंप, 6 रिएक्टर से ज्यादा का भूकंप देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। मोर ओवर ये जो समय रहेगा, ये 2 फरवरी से लेकर के और 13 फरवरी के बीच का समय रहेगा, इस तरह के योग बनते हुए नजर आते हैं और चांसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं कि इस भूकंप से नुकसान होगा, या फिर इस भूकंप के इंडिकेशन कुछ इस तरह के रहेंगे कि ये एक और भूकंप को जनरेट करेगा और वो नुकसान देने वाला रहेगा। इस तरह के योग अभी मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, इसको मैं और आगे भी बताऊंगा आप सभी को, तब हम इसके बारे में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वो जब समय आ जाएगा, हम जब उस समय के नजदीक पहुंच जाएंगे, तब हम उसे और आराम से कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह की चीजें यहां पर होते हुए दिखाई देती है। बट ये जरूर कहूंगा, गेहूं की फसल बहुत अच्छी नहीं, सरसों की फसल बहुत अच्छी नहीं, सरसों के मार्केट में भी काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, कपास की फसल अच्छी नहीं है, रबी की फसल जो होती है इस सीजन में वो अच्छी नहीं आएगी, और भारत में, भारत के आसपास के एरिया में जहां पर अभी विंटर है, वहां पर डेफिनेटली ये समय अच्छा नहीं जाता हुआ दिखाई देता। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस विंटर में कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो क्या कोई रिस्क रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, जनवरी का महीना आराम से ट्रैवल करने के लिए अच्छा है, दिसंबर का महीना आराम से ट्रैवल करने के लिए अच्छा है, आप आराम से विंटर्स में कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा विंटर को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, बीमारियों के योग नहीं दिखाई देते, नेगेटिविटी के योग नहीं दिखाई देते, कोई नुकसान के योग नहीं दिखाई देते। इसीलिए इस साल का विंटर घूमने के लिए, इस साल का विंटर फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, इस साल का विंटर किसी अच्छी जगह पर जाने जाकर के कुछ समय बिताने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। आप सभी आराम से अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। सो ओवरऑल ये था पूरा विंटर सीजन का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी जानकारी समझ आ गई होगी। आने वाले समय में और समय के साथ साथ अपनी कैलकुलेशंस को आपके साथ शेयर जरूर करता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।